तस्वीरें प्ले करिएगा, तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर संजीव बालियान माननीय नरेश शकेश से मुलाकात करते हैं। वैभव जी ये तस्वीरें उम्मीद करता हूं कि आपने देखी होंगी, जहां पर नरेश शकेश संजीव बालियान से मुलाकात कर रहे हैं। अब मुझे आप स्क्रीन पर आइए वैभव जी, वैभव जी मुझे बताएंगे कि संजीव बालियान मुलाकात करने क्यों गए थे नरेश शकेश जी से, प्लीज बता सकते हैं आप? अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं अन्य दलों की तरह। ये घर मालूम है किसका था सर जिससे आप मुलाकात करने गए थे? ये घर मालूम है किसका था सर जिसे आप कुछ महीने पहले खालिस्तानी आतंकवादी और किराए के, देखिए विपक्ष के किराए के लाए हुए लोग बता रहे थे आप उनके घर वोट मांगने गए हैं? नहीं आप नहीं, देखिए राजनीति क्या होती है, दो स्तर पे होती है राजनीति, एक दल के स्तर पे होती है राजनीति और कार्यकर्ता के स्तर पे होती है। जब आप किसान नेता है, आप किसान नेता वोट चाहिए तो आपको किसान नेता दिखाई दे रहे हैं, कल तक यही खालिस्तानी थे, यही आतंकवादी थे, यही विपक्ष के लाए हुए किराए पे थे जिन्हें आप बोलते थे इस तरह से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, मुकर नहीं रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आप इन्हीं को तो गालियां दे रहे थे, आप सार्वजनिक रूप से मंच पर इन्हीं को गालियां दे रहे थे। तो नहीं बोला ना आप, समझे बात मैं क्या कह रहा हूँ संजीव भाई? बोला अब मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मैं ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और मैं चाहूंगा इन तस्वीरों को दिखाइए। ये तस्वीरों की न्यूज पर इंडिया पुष्टि नहीं करता है, मैं वैभव जी चाहूंगा इन तस्वीरों की जांच होनी चाहिए। ये तस्वीरें बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी की है, दावा किया जा रहा है जो सोशल मीडिया पर ट्वीट की जा रही है खबरें, उसमें दावा यह किया जा रहा है कि एक किसान लखीमपुर खीरी में शुगर मिल के बाहर, चीनी मिल के बाहर अपने बकाए भुगतान को लेकर अपनी नाराजगी का इजहार करता है और पुलिस उसे पीटने लगती है। इन तस्वीरों में यह दावा किया जा रहा है, मैं फिर कह रहा हूं कि इन तस्वीरों की सत्यता की पुष्टि न्यूज वर्ल्ड इंडिया नहीं करता। मैं चाहूंगा कि आप के संज्ञान में लाने का मेरा यही मकसद था कि अगर इसमें सच्चाई है तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। वैभव जी क्या किसानों को पीटने से वोट मिल जाएगा? बिल्कुल तो मांग दे। इनफैक्ट यदि ये जिसकी भी गलती है एडमिनिस्ट्रेशन में हो चाहे किसी और में हो, मैं बिल्कुल भी इस चीज के संग नहीं हूँ और इस बात के तो बहुत खिलाफ हूँ। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, ये गलत हुआ है, जिसकी भी गलती से हुआ है और ये जांच का विषय है। तभी बीजेपी नेता लखीमपुर खीरी के पीड़ितों से मिलने गए, तभी लखीमपुर खीरी के पीड़ितों से मिलने बीजेपी नेता गए क्या? जब आप कहते हैं कि बीजेपी नेता गए थे, आपका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है आपका, कौन से नेता को जाना चाहिए था? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे कि आप कह रहे हैं ना कि हम लोग आप लोगों की सत्ता में इतनी बड़ी घटना हुई। नहीं नहीं तो लखीमपुर खीरी के लिए आपके लिए नेता की क्या परिभाषा है? नहीं किसको जाना चाहिए, हमारा जो प्रदेश का या हमारे आपको नहीं जाना चाहिए, आप सत्ता में आपको नहीं जाना चाहिए। मैं गया था, आप गए थे, आपने किससे मुलाकात की? ठीक है वो आपके मैं मीडिया पे नहीं बताने की जरूरत है मेरे को उसको। अच्छा, जो क्योंकि क्योंकि वो राजनीति करने नहीं गया था। अच्छा, मैं दलित फोटो खिंचाते हुए बताएंगे कि ये दलित है? लेकिन दलितों के साथ फोटो खिंचाते हुए बताएंगे ये दलित है? आप ये नहीं बताएंगे कि किसान नेता? आप ये तो बताइए ना कि किससे मुलाकात करके आए हैं? अरे किसकी के साथ फोटो खिंचाते हुए बता रहे हैं दलित है? देखो मैं दलित के साथ खाना खा रहा हूं। आप हमारी गए आप बताइए ना। Okay, तो जरूरी नहीं है कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा किसने देखा, ढिंडोरा पिटवाना जरूरी है सर। अन्य दलों की तरह भाजपा का कार्यकर्ता पेपर में एडवर्टाइजमेंट देके काम नहीं करता। मंत्री को बर्खास्त ना करना, मंत्री को बर्खास्त ना करना, इससे आप लोगों को राजनीतिक नुकसान होगा कि नहीं अग्रवाल जी? राजनीतिक नुकसान या नफा की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। वो मंत्री होगा बाद में, मैं आगे से बढ़ के बोल रहा हूँ, वो मंत्री होंगे बाद में। अगर वो पहले भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक ने कानून के हिसाब से कोई गलत कदम उठाया है तो उनको सजा यापना होगी, बात खत्म। घायलों को मुआवजा मिलना चाहिए था, आप लोगों ने कहा मिला क्या? जी मिला, घायलों को मुआवजा मिला? अभिषेक जी रुकिए, प्रोसेस में है और प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर गहन चिंतन कर रही है
और मुझे यकीन है कि इस मुद्दे का एक सही प्रारूप हम सबके सामने बहुत जल्दी आएगा। अच्छा, एमएसपी पर कमेटी बन गई? एमएसपी केंद्र का मुद्दा है, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों आपस में मिलकर काम कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा है, समय जादू की छड़ी नहीं है तिलक भाई, समय लगता है।